राम राम भाई सार्या ने। आज अपना एनालिटिकल रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग चैलेंज का तीसरा वीडियो, ठीक है? तो हम ही इसमें रीजनिंग ड्राइव के थ्रू अपनी सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे, तो एनालिटिकल रीजनिंग को, जिसमें हम अपने दो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट अजम्पशन। आज अपन अपना तीसरा टॉपिक करने जा रहे हैं, जो वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है? उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में कॉज एंड इफेक्ट डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग का तीसरा टॉपिक, कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है? तो स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन हमारे टॉपिक का नाम रहेगा आज। इसमें स्टेटमेंट क्या है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट होता है आपका एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है? कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? देखो, जैसे भी मान लो कि कोर्स ऑफ एक्शन मतलब जैसे कोई घटना घटी, उसके बाद में आपको कुछ डिसाइड करना है, उसको कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं। मतलब कुछ घटना के बाद में आपको कुछ डिसाइड करना, क्या आप एक स्टेप ले सकते हैं, आपके एक्शंस क्या रहने वाले हैं, वो आपका कोर्स ऑफ एक्शन रहता है। इट इज द फिजिबल स्टेप टेकन आफ्टर एन इवेंट दैट हैज हैपेंड और इज अबाउट टू हैपन। मतलब एक ऐसा प्रैक्टिकल सा आपको स्टेप लेना है एक इवेंट के बाद में, या फिर जो इवेंट हो चुका है या फिर होने वाला है, उसके बाद में आपको एक प्रैक्टिकल सा स्टेप लेना है। कोई ऐसे 30 मार खान स्टेप नहीं लेना आपको, ठीक है? तो चलो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या चीज है ये। देखो, कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो आपका, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको। जैसे कि सपोज करो आप एक हॉस्टल के वार्डन या इंचार्ज हैं, ठीक है? वहां पे उस हॉस्टल में किसी बच्चे को ग्लास डोर से चोट लग जाती है, वो ग्लास डोर थोड़ा टूटा पड़ा है या जैसे भी है, उससे चोट लग गई बच्चे को। तो उसमें आपके सामने फिर आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? जैसे इंटरव्यूअर्स में आपको, इंटरव्यू में आपको इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे। एक्चुअली वो आपको मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे एसएससी पूछ रहा है, ठीक है? आजकल के क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन की फॉर्म में, ठीक है? तो बात वही कि आपसे बस पूछा जा रहा है, आपका डिसीजन पूछा जा रहा है कि आप कैसे डिसाइड करते हैं उस सिचुएशन में। तो बस ऐसे सिचुएशन लगा लो, ठीक है? तो मैंने आपके सामने एक सिचुएशन रख दी कि ऐसी सिचुएशन है, आप एक हॉस्टल के इंचार्ज है, वार्डन है, तो वहां पे बच्चे को ग्लास डोर से चोट लग गई, तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? पहली सिचुएशन, आप इस चीज को नजरअंदाज करके सो जाएंगे, आपको कोई मतलब नहीं है, लग गई तो चोट लग गई, अपने क्या करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उस बच्चे को मान लो कि इलाज के लिए पैसे दे देंगे, ठीक है? कि आप अपना इलाज करवा लो, ठीक है? तीसरी चीज आप रहेगी आपको रहेगी कि सपोज आपने एक्शन लिया अथॉरिटीज के लिए, कि आपने अथॉरिटीज के ऊपर एक्शन लिया कि आप इस चीज को, मैनेजमेंट को आपने बोला कि आप इस चीज को ठीक करो, उसको ग्लास को फिक्सअप करो, प्रॉब्लम को सोल्व करो, कि आगे से आने वाले किसी भी चोट ना लगे, उस ग्लास को ठीक करवाओ, ठीक है? चौथी चीज कुछ भी हो सकती है, कोई मनगढ़ंत आप कहानी बना लो कि भाई आप हॉस्टल ही चेंज करवा दोगे बच्चों का, आप नया हॉस्टल खुद क्रिएट कर दोगे अपनी तरफ से, ठीक है? तो ऐसा कुछ फिजिकल स्टेप आपको इसमें सबसे पहले क्या लगा? आप सो भी नहीं सकते एज ए वार्डन, चोट लग गई तो। दूसरी चीज आपने, ठीक है, पैसा देना एक अच्छी चीज है, बट उससे आपने सिर्फ एक बच्चे की हेल्प की, लेकिन हो सकता है दूसरे बच्चे को चोट लग जाए, तीसरे बच्चे को चोट लग जाए, चौथे बच्चे को चोट लग जाए, तो किसी को भी चोट लग सकती है, राइट? तो आपको एक फिजिबल स्टेप, बहुत अच्छा सा स्टेप लेना है, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा, जो मान लो कि हमेशा से प्रॉब्लम को, जैसे पहला पॉइंट भी इसका यही है कि इट शुड आइदर लेसन द प्रॉब्लम और इम्प्रूव द सिचुएशन, या तो कम कर रहा है या इम्प्रूव कर रहा है, ऐसा चीज आपको करना है। तो इम्प्रूव हो जाएगी ना ग्लास डोर फिक्स करवा के, तो आपको ग्लास डोर को फिक्सअप करना पड़ेगा, उसकी मतलब कि आपको रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी, अथॉरिटीज को बोलना पड़ेगा, मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा कि इसको ठीक करवाइए जल्द से जल्द। वो एक सबसे सही इसका कोर्स ऑफ एक्शन कहलवाएगा उस स्टेटमेंट का, ठीक है? सिंपल प्रॉब्लम मस्ट हैव सिंपल एक्शन। अगर बच्चे को चोट लगी है तो इसका मतलब आपको सिंपल एक्शन लेना है, ऐसे नहीं कि आप दूसरा हॉस्टल क्रिएट कर देंगे, आप मान लो कि हेवन में जाके एक वो बना देंगे, पहाड़ों पे बना देंगे, ऊपर बना दो, कांच के डोर ही नहीं होने चाहिए, मैं नए ग्लास लगा दूंगा, ये लगा दूंगा, क्यों आपको कॉम्प्लिकेट करना है, राइट? आपको बिल्कुल सिंपल एक्शन रखना है, जो रहना चाहिए प्रॉब्लम को सिंपल, सिंपल प्रॉब्लम का सिंपल एक्शन, ठीक है? इट शुड बी फिजिबल एंड शुड रिलेट विद द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आपका फिजिबल होना चाहिए वो जो एक्शन होगा, और आपको उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी मतलब लाइफ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी जोड़ के रखना है, ठीक है? यूं नहीं कि आपने कुछ भी हेविन वाली चीजें जोड़ दी, जैसे मैंने बोला कि आप
हॉस्टल का पूरा ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ये पोर्ट कर देंगे, ये सब नहीं हो पाएगा ना। तो जो है वो रहना चाहिए। वर्ड ओनली कैन मेक द कोर्स ऑफ एक्शन वीक। ये तो हम बार बार डिस्कस करते ही हैं कि क्वेश्चन में अगर ओनली वर्ड मेंशन है तो वो थोड़ा वीक बनाता है। हो सकता है कि आंसर भी हो, लेकिन पॉसिबल हो सकता है कि ओनली वर्ड से कोर्स ऑफ एक्शन थोड़ा कमजोर पड़ जाए। ठीक है, तो चलो थ्योरी जान लिए, अब हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी हमें। चलो स्टेटमेंट, पहला क्वेश्चन, इनसेसेंट रेन फॉर द पास्ट सेवरल डेज हैज पोज्ड द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफ्लोइंग एंड फ्लड एज द रिवर बेड इज फुल ऑफ सिल्ट एंड मड। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से नदी का तल गाद और कीचड़ से भर जाने के कारण अति प्रवाह और बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई है। ठीक है, काफी दिनों से रेन लगातार आ रही होगी तो उसकी वजह से मिट्टी वगैरह जम गई। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए? पहला, पीपल शुड बी मेड अवेयर अबाउट द इमिनेंट डेंजर ऑफ रेडियो टेलीविजन। लोगों को रेडियो टेलीविजन पर उभरते खतरे के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। दूसरा, द सिल्ट एंड मड फ्रॉम द रिवर बेड शुड बी क्लियर इमिडिएटली आफ्टर रिसेडिंग ऑफ द वॉटर लेवल। देखो, जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ रही है तो आप मुझे खुद बताओ, लोगों को पहले आपको बताना ही पड़ेगा कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। पहले तो आप लोगों को सचेत करोगे, किसके थ्रू कर सकते हो? अखबार वगैरह के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। बट बिल्कुल ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू भी बोल सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपने सपोज रेडियो टेलीविजन के थ्रू बोल दिया, तो ये पहली चीज तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड, तो पहली चीज तो यहाँ पे भाई बिल्कुल ठीक है कि ये तो ऐसा आप करोगे ही करोगे। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको अवेयर तो करना है लोगों को। इससे क्या होगा कि लोग एटलीस्ट अवेयर हो गए, लोगों को रेडियो के थ्रू आपने जागरूक कर दिया, रेडियो टेलीविजन के थ्रू। दूसरा, देखो आपने कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लिया प्रॉब्लम को कम करने के लिए। द सिल्ट एंड द मड फ्रॉम द रिवर शुड बी क्लियर इमिडिएटली। जल सत्र कम होने के तुरंत बाद नदी जल से गाद और कीचड़ को साफ किया जाना चाहिए। ठीक है, उसी टाइम से बाद में क्लियर भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें आपकी बिल्कुल सही है, आपके स्टेप्स जो आपने लिए वो बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ वन एंड टू फॉलो। ठीक है, ये बहुत आसान चैप्टर है एज कंपेयर टू दैट। इसमें बस आपको थोड़ा सा अच्छा सा प्रैक्टिकल सोल्यूशन सोचना है। ठीक है, जिसकी बुद्धि बहुत अच्छे से काम करती है वो आराम से इस क्वेश्चन को कर ले। इसमें थोड़ा सा सनकी आदमी नहीं कर पाएगा। सनकी आदमी को आएगा कि सामने वाले के दांत तोड़ दो। एक सॉल्यूशन लिखा होगा कि सामने वाली पार्टी से आराम से बात करेंगे और उन्हें प्यार से समझाएंगे। तो अपने को वो ही चूज करना है, प्यार से समझाएंगे, रूडनेस नहीं लेके आनी कि दांत तोड़ दो, पीट दो, पीट दो। ठीक है, ये सब मत करना यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया आर नॉट एबल टू गेट एजुकेशन बिकॉज दे गेट एम्प्लॉयड टू अर्न लिवलीहुड इन देयर चाइल्डहुड ओनली। भारत में अधिकांश बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि वह बचपन में ही आजीविका कमाने के लिए रोजगार कर लेते हैं। राइट, बिल्कुल सही पॉइंट है। बहुत छोटे बच्चों को हम काम करते हुए देखते हैं अपनी डेली लाइफ में। एजुकेशन, इसके कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने चाहिए? एजुकेशन शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। ये तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है। ठीक है, कि भैया 14 साल से नीचे मतलब कि आपको एजुकेशन तो कंपलसरी करनी पड़ेगी। ठीक है, 6 से 14 साल बोला ही गया है वहां पे। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए, बिल्कुल कर देनी चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चा अगर स्कूल में पढ़ेगा तो 14 साल से छोटा, तो वो एटलीस्ट मतलब कि स्कूल जाया करेगा, वो काम में नहीं रहेगा, है ना, एजुकेशन पे रहेगा फोकस्ड। दूसरा रहेगा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन शुड बी बिलो द एज ऑफ शुड बी बैंड। अगर मान लो स्कूल जा रहा है, कोई बंदे के माँ बाप होते हैं, वो बच्चे को स्कूल जाने के बाद भी वापस भेज सकते हैं कि एजुकेशन तो करवा रहे हैं, लेकिन जब एजुकेशन से वो खेलने के टाइम में बच्चे को काम पे भेज रहे हैं, तो वो भी आपने एक वर्ड चूज कर लिया वहां से कि आपको एम्प्लॉयमेंट भी बैन करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले तो आपने कहा कि उसको स्कूल भेज दो सुबह और शाम को उसके एम्प्लॉयमेंट भी बैन कर दो, ताकि वो मतलब कि काम ना करे, एटलीस्ट 14 साल से कम उम्र का है तो वो काम ना करे। इसी के थ्रू आपको मतलब जो ये आपका चिल्ड्रन इन इंडिया जो आप देख रहे हैं, जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे, वो चाइल्डहुड में उनका जो मतलब कि कमाने जा रहे हैं, इसी से वो आपका स्टेप सही रहेगा कि आपने एक ऐसा फिजिबल स्टेप लिया है, एक अच्छा स्टेप लिया है जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो इसमें भी बोथ वन एंड टू फॉलो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल हैव बीन डायग्नोज्ड विद अ सीरियस कंटेजियस डिजीज। ओके, विशेष अस्पताल में भर्ती मरीजों की एक बड़ी संख्या में गंभीर संक्रामक बीमारी का निदान किया गया। ठीक है, जैसे अपन कोरोना ही कह लेते हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल में लोग मिले कोरोना से अफेक्टेड।
ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन, कोर्स ऑफ एक्शन, दीज पेशेंट शुड बी इमीडिएटली एविक्टेड फ्रॉम द हॉस्पिटल फॉर फियर ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, बीमारी फैलने के डर से इन मरीजों को तुरंत अस्पताल से बाहर निकाल जाना चाहिए। बताइए आप, ये पॉइंट सही है? अगर आप किसी हॉस्पिटल में गए हैं, आप इलाज करवाने गए हैं, आप बीमार हैं, तो आप मतलब चलो ठीक है खुद बीमार है, लेकिन हॉस्पिटल में हो आप कोई मंदिर वंदिर नहीं गए हो, आप कोई मॉल वगैरह नहीं गए हो, आप कहीं सिनेमा हॉल नहीं गए हो जहां से आप वहां से भागो, हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो आप भाई इलाज तो करवाने गए हो, तो आप इलाज करवा के वापिस आओगे? ऐसा तो नहीं है कि आप, और सपोज आप मान लो कि 200 पेशेंट्स हो, 200 पेशेंट आप लोग गए और आप 200 के 200 बाहर निकल रहे हैं और अफरा तफरी, कितना ज्यादा ये मतलब कि अजीब सॉल्यूशन है। क्या ये सॉल्यूशन ठीक लग रहा है आपको? मेरे ख्याल से ये कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होना चाहिए कि भाई दीज पेशेंट शुड बी इमिडिएटली एडमिटेड, बाहर निकाल फेंकना चाहिए। क्यों फेंकना चाहिए? नहीं निकाला जाना चाहिए ना, क्योंकि हॉस्पिटल इज फॉर व्हाट? फॉर ट्रीटमेंट, राइट? तो अगर कोई बीमार होके, कोई अफेक्टेड होके वहां पे आया, तो वो ट्रीटमेंट के लिए आया होगा, तो वहां पे उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो यहां से उसको बाहर आप नहीं निकाल सकते, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। दूसरा पॉइंट, द हॉस्पिटल शुड मेक अप्रोप्रिएट क्वारंटाइन अरेंजमेंट टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज। बिल्कुल सही पॉइंट है, ये हॉस्पिटल की ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हॉस्पिटल में पेशेंट तो आ गए, अब चाहे वो कॉन्टेजियस डिजीज मतलब कि उससे अफेक्टेड होके आए हैं या फिर नहीं होके आए, वो डजेंट मैटर, ठीक है? अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो अफेक्ट होके भी आ रहे हैं, तो आप उनको कहाँ शिफ्ट करोगे, उनका अरेंजमेंट कहाँ करोगे, दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज योर हेडेक। ये हेडेक्स पब्लिक की नहीं है कि अब वो बाहर जाएगी, पेशेंट की नहीं है ये हेडेक, ठीक है? तो इसमें कौन सा पॉइंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा? थर्ड का बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप ऐसा स्टेप नहीं ले सकते कि जिससे आप पेशेंट्स को बाहर फेंक दो हॉस्पिटल जैसी जगह से, राइट? चलो तो देखो अभी फोर्थ क्वेश्चन पे हैं अभी हम, ठीक है? स्टेटमेंट क्या दिया गया था? सेल्स ऑफ द बॉल पॉइंट पेन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी लिक्सस हैव गॉन डाउन कंसिडरेबली एवर सिंस द सेम कंपनी इंट्रोड्यूस अ जेल इंक पेन इन द मार्केट। कंपनी लिक्सस द्वारा निर्मित बॉल पॉइंट पेन की बिक्री तब से काफी कम हो गई है जब से उस कंपनी ने बाजार में जेल इंक पेन पेश किया है। देखो क्या बोला गया है कि बॉल पेन्स की मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है। क्यों? क्योंकि सेल्स कम हो गई है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नया पेन इंट्रोड्यूस कर दिया है, जेल इंक, ठीक है, लिक्सस कंपनी ने। तो इस पे क्या कोर्स ऑफ एक्शन होने चाहिए आपके? बॉल पॉइंट पेन शुड नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय लिक्सस एनी मोर। अब बॉल पेन पॉइंट पेन मैन्युफैक्चर करने बंद कर लेनी चाहिए। क्या ये पॉइंट है ठीक? पॉइंट है, फिजिबल है कहीं से? मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि अब वो चीज अगर मान लो किसी ने जेल इंक पेन बनाने स्टार्ट कर दिए, तो अब उसको बॉल पेन बनाने ही नहीं चाहिए क्योंकि वहां पे सेल्स कम है। क्या पता लोग अभी भी, कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉल पेन को ही यूज करते हैं, जो जेल इंक पेन को यूज नहीं करते, तो ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है? किसी चीज से हार जाना अच्छी बात नहीं है, इंप्रूवमेंट करना है आपको, जड़ से खत्म नहीं करना चीज को, ठीक है? प्रॉब्लम्स को खत्म करना है जड़ से आपको, ऐसी चीजें जड़ से खत्म नहीं करना। चलो, लिक्सस शुड इमीडिएटली विड्रॉ ऑल जेल इंक पेन्स फ्रॉम द मार्केट सो एज टू फोर्स द पीपल टू बाय बॉल पॉइंट्स पेन। लिक्सस को जेल इंक पेन हटा लेनी चाहिए, और ताकि लोग ना बॉल पॉइंट पेन जो खरीद नहीं रहे थे, वो मजबूरी से खरीदे। तो यार ऐसा भी तो गलत है, जो लोग जेल इंक पेन को यूज करना चाह रहे हैं, जो मार्केट में अभी मतलब इस चीज को पसंद कर रहे हैं, तभी तो उसकी सेल्स कम हुई है, जेल इंक पेन के पीछे तो दुनिया पड़ी हुई है, और आपने वही उनसे छीन लिया, तो ऐसे तो आपकी और मार्केट कम हो जाएगी, लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। तो ये एज ए कंपनी मैनेजर या जो भी आप सोच रहे हैं अपने आप को लिक्सस कंपनी में, आप ये डिसीजन बिल्कुल गलत ले रहे हैं, अगर आप ऐसा डिसीजन भी ले रहे हैं तो, ठीक है? तो ये दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन आपने रॉन्ग चुने, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा नाइदर वन नोर टू फॉलोज, ठीक है? ना तो वन नोर ना ही दो अनुसरण करता है, दोनों ही अनुसरण नहीं करेंगे। ऐसी सिचुएशन में आपको बराबर की टक्कर देनी पड़ेगी, आपको बॉल पेन्स को भी मतलब कि उसकी आपको फीचर्स आपको ज्यादा इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, बस इतना है, ताकि बॉल पेन्स भी चलने लगे फिर से, ये पॉइंट है बस, ठीक है? ये होना चाहिए कोर्स ऑफ एक्शन में। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टूडेंट्स रिसाइडिंग एट द हॉस्टल ऑफ अ यूनिवर्सिटी हैड टू स्टे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फॉर 48 आवर्स, नॉट बिकॉज ऑफ शॉर्टेजेस बट बिकॉज ऑफ नेग्लिजियंस बाय द हॉस्टल स्टाफ। एक विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने वाले छात्रों को बिजली और पानी की कमी के कारण नहीं,
बल्कि छात्रावास के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण 48 घंटे तक बिना बिजली और पानी के रहना पड़ा। देखो क्या लिखा गया है कि एक हॉस्टल के बच्चों को बिना इलेक्ट्रिसिटी और पानी के रहना पड़ा 48 घंटे। ठीक है, शॉर्टेजेस की वजह से नहीं थी भाई, शॉर्टेज नहीं हो रही थी, नेग्लिजियंस दिखाई गई है हॉस्टल स्टाफ के द्वारा। ठीक है, कर्मचारियों की लापरवाही यहाँ पे। अब आते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। अब कहाँ लेना चाहिए एक्शन, इनके ऊपर ही लेना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी शुड लुक इनटू द मैटर एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट सच नेग्लिजियंस। वही जैसा मैंने बोला कि आपको नेग्लिजियंस पे ही एक्शन लेना है, वो आपका सबसे अच्छा वो हो जाएगा कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये आपने बिल्कुल सही चुना। ठीक है, पहला पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं, आपको समझ आया होगा अच्छे से कि मैनेजमेंट को नेग्लिजियंस पे तो एक्शन लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट, स्टूडेंट शुड लीव द हॉस्टल एंड फाइंड सम अल्टरनेट एकोमोडेशन। जैसा मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था कि अगर ग्लास डोर टूटा हुआ है और उसे चोट लग रही है तो बच्चों को कहीं और शिफ्ट करा दें, ऐसा तो नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन है कि स्टूडेंट्स को छोड़ देना चाहिए हॉस्टल और अपना अल्टरनेट एकोमोडेशन देखना चाहिए कि नहीं यार ये तो मतलब यहाँ पे तो ऐसे कर रहे हैं, नेग्लिजियंस है तो छोड़ देते हैं। एक प्रॉब्लम की वजह से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, सिंपल प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन होना चाहिए, ये बहुत डिफिकल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, आपको कहीं से प्रॉब्लम आ रही है, आपको किसी जैसे घरों में प्रॉब्लम आती है, कई बार घर से मान लो पानी टपकने लगता है छत से, तो इसका मतलब ये नहीं कि घर ही छोड़ दो। ठीक है, घर छोड़ना, घर से कई बार चींटियां आ रही है, बहुत ज्यादा चींटियां आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ दो, आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो छोड़ना सोल्यूशन नहीं है, जैसे पिछली बार मैंने बोला कि बॉल पेंस की मैन्युफैक्चरिंग खत्म कर दो, जड़ से मिटाना, ठीक है, वो चीज भी सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम के साथ आपको थोड़ा सा टॉलरेट भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो आपको बस शिकायत करनी है ऐसी सिचुएशन में, आपको कुछ और नहीं करना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलो। ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे एक्शन आपको लेने कोर्स ऑफ एक्शन में। चलो सिक्स्थ, मैनी पीपल हैव एनक्रेज्ड इनटू द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड बिल्ड देयर हाउसेस एंड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स। कई लोगों ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर अपना मकान व व्यावसायिक प्रतिष्ठान बना लिया है। मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे अपना हक समझ रही है दुनिया, तो ये एक गलत चीज है। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन पे आते हैं। गवर्नमेंट शुड टेक इमीडिएट स्टेप टू रिमूव ऑल अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन ऑन गवर्नमेंट लैंड। सरकार को सरकारी भूमि पर सभी अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है, कैसे सही है, देखो अगर आपकी प्रॉपर्टी है कोई, आपकी प्रॉपर्टी पे मैं अपना घर बना लूं या एक्स वाई जेड अपना घर बना ले, तो वो एक गलत है। ठीक है, जो जिसकी प्रॉपर्टी है वो उसका ही हक है। तो गवर्नमेंट अगर वहां से रिमूव कर रही है कोई भी अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन को, तो वो ठीक पॉइंट है। हालांकि एक थोड़ा एक्सट्रीम है, आप समझ सकते हैं कि घर गिरा रहे हैं किसी का, किसी की दुकान गिरा रहे हैं, बट पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ये एक पॉइंट और होता कि आपको पहले सबको नोटिस देना चाहिए कि आप खाली कर दीजिए, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बता रहा हूं मैं आपको अच्छे से। कि अगर यहाँ पे तीसरा पॉइंट और दिया होता कि आपको नोटिस देके पहले खाली करवाना चाहिए, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, वो बिल्कुल सही रहेगा। उसके सामने फर्स्ट वाला भी वीक है, बट अब यहाँ पे दो ही दिए गए, तो उसमें पहले सबसे पहले ये वाला पॉइंट आप मैच करके चलो कि ये आपने टिक। ठीक है, कि आपको रिमूव तो करना पड़ेगा, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन को गवर्नमेंट लैंड से हटाना पड़ेगा। चलो सेकंड पढ़ते हैं। ऑल द एनक्रोचर्स शुड इमिडिएटली बी पुट बिहाइंड बार्स एंड शुड बी स्लैप ऑल्सो बी स्लैप्ड विद द हैवी फाइन। उन पर भारी जुर्माना भी लगाना चाहिए और उन्हें तुरंत सलाखों के पीछे डालना चाहिए। ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्या पता किसी की क्या मजबूरी रही हो, मजबूरी एज इन मान लो कि किसी को नहीं पता होता कि कौन सी बिल्डिंग का कितना हिस्सा है, और आइडिया नहीं होता कि मतलब अब हो सकता है कि जैसे खाली प्लॉट देख के अपना किसी ने थोड़ा सा बढ़ा लिया वो घर वगैरह, तो आप इस चीज के थ्रू आप उनके ऊपर फाइन नहीं डाल सकते, आप उनको बार्स के बिहाइंड नहीं डाल सकते। ठीक है, आप किसी को सजा नहीं दे सकते, आप अपना एक्शन लेना, सजा नहीं देनी, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि अगर ये होता है यहाँ पे कि आप उनको पहले इन्फॉर्म करेंगे, आप उनसे रिक्वेस्ट नहीं, थोड़ा मतलब उनको वॉर्न करेंगे कि यहाँ से आप हटा लो वरना हम तोड़ देंगे, गवर्नमेंट अगर ऐसा बोलते तो वो एक अच्छा पॉइंट माना जाएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिया गया, तो आपको तोड़ फोड़ ही करना पड़ेगा। भूमि पर ऐसा निर्माण अगर है तो उसको हटाने के लिए तत्काल कदम उठाने ही पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा सेवेंथ पॉइंट,
सेवेंथ क्वेश्चन, ए ह्यूज ट्रक ओवरटर्न ऑन द मिडल ऑफ द मेन रोड एंड ब्लॉक्ड मोस्ट पार्ट ऑफ द रोड कॉजिंग अ ह्यूज ट्रैफिक जैम। एक बड़ा ट्रक मुख्य सड़क के बीच में पलट गया है, मेन रोड पे पलट गया और सड़क का अधिकांश भाग रुक गया है, अवरुद्ध हो गया है, जिससे बाहरी यातायात जाम हो गया। ठीक है, अब ट्रक बीच में पड़ा हुआ है गिरने की वजह से, तो जिससे मेन रोड पे बहुत सारी भीड़ लग गई, ऐसा सिचुएशन इमेजिन करो। कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए? द ट्रैफिक डिपार्टमेंट शुड इमीडिएटली डिप्लॉय इट्स पर्सनल टू डाइवर्ट द ट्रैफिक थ्रू अदर रोड। यातायात विभाग को तत्काल अपने कर्मियों को तैनात कर यातायात को अन्य सड़कों से डाइवर्ट करना चाहिए। देखो, जब भी अपन ऐसी सिचुएशन अक्सर फेस करते हैं, कहीं पेड़ गिरा हुआ है, कहीं कुछ गिरा हुआ है, कहीं रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पे हमें अक्सर प्रॉब्लम आती है कि हमें ऑफिस जाना है या फिर हमें कहीं हॉस्पिटल जाना है, कोई इमरजेंसी में जाना है, तो रास्ते में जब हम जाम लगा के खड़े हो जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो हमारे पहला थॉट क्या आता है जब एक्शन होता है, तो उस सिचुएशन में अपन क्या एक्शन लेते हैं कि यार काश कुछ अलग रास्ता दिया होता है ना, जिससे हम कहीं मतलब अपनी लोकेशन पे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो ये पहला पॉइंट आपको वही चीज जस्टिफाई करता है कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो ऐसे पर्सनल को मतलब कि उन्होंने तैनात किया है, उन्होंने कि जिससे डाइवर्ट कर दें वो ट्रैफिक को, ठीक है, दूसरी रोड पर। तो वही अपन पॉइंट मांग रहे थे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? द ट्रैफिक डिपार्टमेंट शुड इमीडिएटली सेंड मेन एंड इक्विपमेंट टू मूव द ट्रक एंड क्लियर द रोड। अब देखो, ये तो आपने डाइवर्ट कर दिया, अब इस रोड का क्या, इस रोड पे क्या रोज बंदे डाइवर्ट होके जाएंगे? चलो ठीक है, आज की डेट में मैं 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा मार दूंगा, मुझे क्योंकि जाम नहीं चाहिए, 5 किलोमीटर मैं हाईवे पे पकड़ के मैं चला गया क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना था। बट क्या मैं रोज प्रेफर करूंगा ऐसे में यहां से कट मार के 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाऊं, यहां से 5 किलोमीटर? नहीं, उसका भी तो समाधान करना पड़ेगा ना। तो उसका समाधान यहाँ दिया गया है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट को जल्दी से जल्दी अपने आदमी बुलाने पड़ेंगे और इक्विपमेंट बुलाने इक्विपमेंट के साथ में, ताकि ट्रक और ट्रक को रोड से हटा दिया जाए। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। तो दोनों ही एक्शन यहाँ पे आपके ठीक हो जाएंगे, तो बोथ वन एंड टू फॉलो जा जाएगा सर। ठीक है, चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एट्थ क्वेश्चन। ड्यूटी अवेलेबिलिटी ऑफ एयर टिकट्स एट चीपर रेट्स फ्रॉम वेरियस एयरलाइंस, लार्ज नंबर ऑफ पीपल नाउ डेज प्रेफर टू ट्रेवल बाय एयर देन ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। विभिन्न एयरलाइनों से सस्ती दरों पर हवाई टिकटों की उपलब्धता के कारण बड़ी संख्या में आजकल लोग ट्रेन से यात्रा करने के बजाय हवाई यात्रा करना पसंद करते हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई आजकल बहुत सारी एयरलाइंस है, इंडिगो, स्पाइसजेट, अदर, फ्ला फ्ला, बहुत सारी है। ठीक है, तो क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं, अपना रेट वगैरह देख के किसी भी चिप, कोई कोई ऐसी एयरलाइंस भी है जो चीपर रेट में अवेलेबल है। ठीक है, जैसे सपोज करो कोई गुजरात से आ रहा है, मुझे आज भी याद है जब मैं गुजरात में पोस्टेड था, तो अहमदाबाद से अगर आप दिल्ली तक या जयपुर तक आना चाहो तो आपको 3,000 के अंदर फ्लाइट पहुंचा देती थी। हाँ, दिल्ली तक भी, अहमदाबाद से दिल्ली आप 10 दिन के अंदर आप फ्लाइट बुक करते हैं तो 3,000 रुपये में पहुंचा देती थी। वहीं अगर आप सेकेंड एसी, थर्ड एसी टिकट कुछ भी लेना चाहोगे तो वो 2,500-2,800 तक रुपए के रहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि मतलब जब सेम सा ही रेट है तो लोग क्या प्रेफर करेंगे, एयरलाइंस को प्रेफर करेंगे, तो सेम सिचुएशन वो यहां दी गई। ठीक है, समझ रहे हो चीज को? तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए, क्यों कम हो रहे हैं, आप एक्शन ले होंगे तो कैसे लोगे? रेलवे मिनिस्ट्री हैज टू पुट इन इट्स बेस्ट एफर्ट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ रेल जर्नी इन रिस्पेक्ट ऑफ फैसिलिटीज एंड ऑल्सो द पंक्चुअलिटी। रेल मंत्री मंत्रालय को सुविधाओं के संबंध में रेल यात्रा की गुणवत्ता और समय की पाबंदी में सुधार के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। देखो, बिल्कुल ठीक पॉइंट है, क्योंकि रेल की जर्नी जो है मतलब जैसे अगर आप फर्स्ट एसी सेकेंड एसी में जाओगे तो वहां थोड़ी ठीक रहती है, काफी ठीक रहती है कंपेरेटिवली टू अदर, जैसे जैसे आप नीचे स्लीपर साइड, जनरल साइड अदर हो तो क्वालिटी काफी घटती है। अगर लोग वैसा ही फील करें जैसा सेकंड एसी फर्स्ट एसी में फील करते हैं, तो बंदे फिर थर्ड एसी स्लीपर और जनरल में जाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्वालिटी इंप्रूवमेंट चाहिए चाहिए। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि टू इम्प्रूव बेस्ट एफर्ट लगाने पड़ेंगे ताकि जर्नी जो क्वालिटी जो है वो रेल की ठीक हो जाए। पहला तो उसकी फैसिलिटीज,
ठीक है, वॉशरूम फैसिलिटी या जो भी फैसिलिटीज होगी वो सारी फैसिलिटीज ठीक होनी चाहिए, और ऑल्सो द पंक्चुअलिटी। ट्रेन थोड़ा लेट कर देती है क्रॉस करवाने में, मान लो कि हाँ भाई ट्रेन आने वाली है सामने, तो वो क्रॉसिंग के लिए खड़ी हो जाएगी, 1.5 घंटा लेट हो गई, 2 घंटे लेट हो गई, तो उसको ठीक करने में भी रेल को, रेलवे एडमिनिस्ट्री को अपने बेस्ट एफर्ट देने पड़ेंगे पंक्चुअलिटी। तो शायद हो सकता है कि ये जो मतलब आजकल लोग रेलवे के बजाय हवाई यात्रा को प्रेफर कर रहे हैं, वो उस चीज को छोड़ दें और रेल में ट्रेवल भी बराबर करने लगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक एक्शन है। ठीक है, दूसरा एक्शन, एयरलाइन शुड नॉट बी अलाउड इन टू इंट्रोड्यूस वेरियस स्कीम्स ऑफरिंग कंसेशनल फेयर। मतलब ये इनका कहना है कि एयरलाइंस को अगर 12,000 रुपए लेने हैं तो 12,000 ही लेने चाहिए, एयरलाइंस को कुछ भी डिस्काउंट नहीं देना चाहिए, भाई 8,000 में ले लो, 7,000 में ले लो, तो ये तो बिल्कुल गलत पॉइंट है। ठीक है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आपके लिए भैया एयरलाइंस खाली नहीं बैठी है कि हाँ रेलवे मिनिस्ट्री मैं आपके लिए काम करती हूँ, मैं यहाँ से अपना जो कंसेशन है वो बंद करता हूँ आज के बाद, ताकि आप लोग मतलब कि रेलवे में ट्रेवल कराओ लोगों को, नहीं ऐसा तो नहीं। ठीक है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, जो जैसा चल रहा है वो तो वैसा ही होगा। जैसे मतलब एक टॉपर है, ठीक है, जिसके 390 में से 360 आ रहे हैं, आपके आ रहे हैं सपोज करो 340, आप सपोज करो 350 ला रहे, चलो आप सेकंड आ रहे, वो फर्स्ट आ रहे, तो आप ऐसा कहोगे क्या भाई तू थोड़े दिन पढ़ना ही बंद कर दे ताकि मैं फर्स्ट आ जाऊं? नहीं भाई, ये कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, ये एक्शन नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा टू कंपीट हिम। ठीक है, उससे आगे बढ़ने के लिए आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, 361 का सोचो, ऐसे नहीं कि उसके 349 को आप दिमाग में लेके सो रहे हो आराम से। ठीक है, कि वो पहुंचेगा 348 में, कोई दिक्कत नहीं, हम तो 350 भी ठीक है, नहीं भैया 362 लाना पड़ेगा क्योंकि वो 360 पे बैठे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप, एयरलाइंस को नीचे नहीं गिरा सकते आप कि आप देना बंद कर दो कि लोग हमारे में ट्रेवल नहीं कर रहे, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे पहला ही ठीक है, दूसरा बिल्कुल रथलेस पॉइंट है, वो नहीं माना जाएगा। चल, देर हैज बिन लार्ज नंबर ऑफ केसेज ऑफ इंटरनेट हैकिंग इन द रिसेंट मंथ्स क्रिएटिंग पैनिक अमंग द इंटरनेट यूजर। क्या हुआ है, पिछले ही कुछ महीनों में बड़ी संख्या में इंटरनेट हैकिंग के मामले सामने आए हैं, जिससे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में दहशत पैदा हो गई। ठीक है भाई, आजकल बड़ी हैकिंग वगैरह की बीमारी चल रही है। द गवर्नमेंट मशीनरी शुड मेक एन ऑल एफआउट एफर्ट टू नैब दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल एंड पुट देम बिहाइंड बार्स। सरकारी तंत्र को इसके लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने और उन्हें सलाखों के पीछे डालने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल बात है कि जो भी इन चीजों में इन्वॉल्व है, जैसे भी लोग हैं जो ये इंटरनेट हैकिंग कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, उनको पकड़ना चाहिए। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, इसमें तो हम क्या डिस्कस करें। ठीक है, एक सेकेंड, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट, इंटरनेट यूजर शुड बी एडवाइज टू स्टे अवे फ्रॉम द यूजिंग इंटरनेट टिल द कल्प्रिट्स आर कॉट। जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते, आप लोग इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, ये एक ठीक पॉइंट नहीं है। माना कि वो चलो 2-3 दिन में पकड़े जाएं तब भी ये चीज ठीक है, 10 दिन में पकड़े जाएं तब भी ये चीज ठीक है, बट अगर वो नहीं पकड़े जा रहे 2-2.5-3 साल तक, तब आप क्या करोगे? और वैसे तो मैंने तब भी बोला ऐसा चीज ठीक नहीं है कि आप किसी का इंटरनेट 1 दिन के लिए बंद कराओ, 2 दिन में आप फिर हमारी क्लासेस कैसे देखोगे, मैं क्लासेस कैसे डालूंगा। ठीक है, तो इंटरनेट जो है वो बंद नहीं होना चाहिए, तो ये एक पॉइंट नहीं है कि जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते तो आप इंटरनेट पे यूज करना बंद कर दीजिए, ये दिस इज योर हेडेक कि आप उनको कैसे पकड़े, आम पब्लिक परेशान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत गलत पॉइंट है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही था, तो इसमें सिर्फ ओनली वन फॉलो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्टर इन द कैपिटल आर एलिजिंग दैट कमर्शियल बैंक्स आर वायलेटिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टिव टू ऑपरेट अ पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी एट इंटरनेशनल रेट फ्रॉम जनवरी दिस ईयर। ठीक है, क्या कहा गया, राजधानी में निर्यातकों का आरोप है कि वाणिज्यिक बैंक इस साल जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय द्रव्यों पर विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गित पोस्ट शिपमेंट निर्यात क्रेडिट को संचालित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश का उल्लंघन कर रही है। ठीक है, बड़ी तगड़ी लैंग्वेज है इकोनॉमिक्स वाली, ये क्वेश्चन मैं आपको ही देके जाऊंगा, क्योंकि जब
अपन इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाऊं। मैं निकालता हूं ऐसे क्वेश्चन जस्ट फॉर यू गाइस। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? द ऑफिसर कंसर्न इन द कमर्शियल बैंक आर टू बी सस्पेंडेड। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं हो रहे आरबीआई के, तो ऐसी सिचुएशन में ऑफिसर्स को जो कंसर्न है उसको सस्पेंड ही कर देना चाहिए, निलंबित कर देना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आरबीआई शुड बी आस्क टू स्टॉप गिविंग सच डायरेक्टिव टू कमर्शियल बैंक। ऐसा कमर्शियल बैंक को जो भी वो दे रही है डायरेक्टिव्स वो नहीं देने चाहिए। तो इसमें आपको बताना है, ये आप बताएंगे क्योंकि ये मेरे को बेहतरीन क्वेश्चन लगा कि आप लोग इससे ही सोल्व करो। मैं आप लोगों को ये समझा दूंगा, अगर आपको समझ नहीं आते कमेंट में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन अगर आप लोग इस क्वेश्चन को कर देते हैं, कोई बहुत अच्छे से समझा देता है मुझे, जिसके एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छी लग गई, मैं उसको पिन कर दूंगा, जैसे मैंने लास्ट बार भी कर दिया था पिछली वीडियो में। ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, एक क्वेश्चन आपके लिए आगे भी रहेगा कोई ना कोई। तो चलो, इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट में बता देना भाई, कमेंट में वेट करूंगा मैं आपके आंसर का। चलो, द सिनेमा हॉल्स आर इनकरिंग हैवी लॉसेस दीज डेज एज प्रेफर टू पीपल प्रेफर टू वॉच मूवीज इन होम ऑन टीवी देन टू विजिट सिनेमा हॉल्स। इन दिनों सिनेमा घर को भारी घाटा हो रहा है क्योंकि लोग सिनेमा हॉल के बजाय घर में टीवी पर फिल्में देखना पसंद करते हैं। भैया, टीवी पे तो बाद में देखना पसंद करते हैं, ओटीटी एप्स पे पहले देख लेते हैं, और ओटीटी एप्स से भी बाद में, जस्ट बाद में बंदे टेलीग्राम पे देख लेते हैं। इवन इनफैक्ट टेलीग्राम पे तो सबसे पहले आ जाती है पिक्चरें, थिएटर प्रिंट ही आ जाता है ना, तो लोग सिनेमा जाना प्रेफर ही नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? द सिनेमा हॉल शुड बी डिमोलिश्ड एंड रेजिडेंशियल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड देयर। मतलब ये कैसे कर सकते हैं आप एक बात बताइए। सिनेमा हॉल्स को आप गिरा देंगे, क्यों? क्योंकि वो काम नहीं कर रहे। काम तो आप भी नहीं कर रहे भाई, तो आपको घर से निकाल दे क्या मम्मी पापा? नहीं निकालेंगे ना। तो आपको भी जब कोई रख रहा है, तो सिनेमा हॉल्स अगर डिमोलिश कर रहा है वो, सॉरी, सिनेमा हॉल्स अगर फ्लोरिश नहीं हो रहा, पैसे नहीं बन पा रहे उस लेवल के, तो क्या उसको बंद कर देना चाहिए? नहीं, एंटरटेनमेंट की चीज है। कुछ चीजें, कुछ मूवीज सिनेमा में ही अच्छी लगती है। ठीक है। जवान मूवी मैंने तो अभी तक नहीं देखी है, वीडियो निकालने के चक्कर में, जॉब के चक्कर में नहीं देख पाया हूँ। ठीक है, आप लोगों ने देख ली होगी। तो वो मूवी, कुछ मूवी ऐसी होती है जिनका मतलब आपको सिनेमा हॉल्स में ही जाके पता चलता है, सारे ग्राफिक्स सब कुछ। जो लोग थोड़ा मतलब ज्यादा शौकीन है, अच्छे से देखने वाले लोग हैं, वो वहीं जाके देखते हैं। ठीक है। जिनको सिर्फ एक मूवी का आइडिया चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए कि ठीक है मेरा देख ली मैंने, वो घर पे देखना प्रेफर करते हैं। तो दुनिया में हर टाइप के लोग हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि डिमोलिश कर दे। ठीक है। पहला पॉइंट बिल्कुल एक्सट्रीम एक्शन है, आप ऐसा एक्शन नहीं ले सकते। एक्सट्रीम एक्शन, रूड एक्शन, आप ऐसा नहीं ले सकते। ठीक है, ये भी पॉइंट आप माइंड में रखना। दूसरा, सिनेमा हॉल शुड बी कन्वर्टेड इंटू शॉपिंग मॉल्स। कुछ दिनों के लॉसेस के चक्कर में आप वहां पे अगर शॉपिंग मॉल बना दे रहे हैं कि ठीक है भाई लॉस बहुत हो रहा है, शॉपिंग मॉल्स बना देते हैं, काम करते हैं, शॉपिंग करने तो लोग आएंगे ही आएंगे। पॉइंट ठीक है कि ठीक है भाई पैसा बनने लगेगा, बट आपका सिनेमा हॉल कहाँ गया? जिन लोगों को सिनेमा हॉल चाहिए था वो लोग क्या करेंगे? तो ये भी पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाता है आपका। ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए कि लोगों को मतलब ऐसे, इसमें ठीक क्या होना चाहिए एक्चुअल आपके बेसिस? देखो, लोगों को ना जागरूक करना चाहिए कि थोड़ा सा ग्राफिक्स को लेके, थोड़ा सा मतलब कि साउंड को लेके जो वो यूज करते हैं, या सिनेमा में थोड़ा सा टिकट्स को थोड़ा सा चीपर कर सकते हैं, या फिर मान लो कि ऑफर लगा दो किसी पर्टिकुलर डे पे, ऑफर लगा दो सो दैट वो डेकोरम मेंटेन रहे, राइट? सिनेमा हॉल्स का वो सब चीजें इसीलिए टूट रही है क्योंकि ये चीजें प्रोवाइड नहीं। तो ये एक गलत एक्शंस है कि इसको हटा दो, इसकी जगह बिल्डिंग बना दो। अपन बोल देते हैं कि किसी काम का नहीं है सिनेमा हॉल, अपन ये बना देते हैं वो, पर मतलब एक तो फिजिबल नहीं है, एक वो चीजें ठीक नहीं है, रूड एक्शंस है, एक्सट्रीम एक्शंस है, हम एक्सट्रीम एक्शंस नहीं ले सकते, राइट? तो ये गलत है, यहाँ पे दोनों के दोनों, नाइदर वन नोर टू फॉलो हो जाएगा। बढ़े आगे 12th क्वेश्चन की तरफ। फोन वॉज रिसीव्ड एट द डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफिस फ्रॉम एन एनोनिमस पर्सन दैट देयर वॉज अ डेडली बॉम्ब इन द सेक्रेटेरिएट। जिला नियंत्रण कार्यालय में एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया कि सचिवालय में घातक बम है। ठीक है। अब
पहला एक्शन क्या है इस ऐसी सिचुएशन में? ये आपको काफी जगह ये क्वेश्चन बचपन में पूछे जाते, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, सेम क्वेश्चन आज यहाँ पे देखने को मिल गया। बॉम्ब डिफ्यूजिंग स्क्वाड शुड बी सेंट इमिडिएटली, बम निष्क्रिय करने वाला दस्ता तुरंत भेजा जाए। अब देखो ये फोन आया कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफिस आया, तो मतलब थोड़ा आपने ऑफिशियल जगह कॉल किया है, तो कोई मजाक वगैरह तो नहीं हो, है ना? हो सकता है मजाक हो, एनोनिमस पर्सन है, हो सकता है मजाक हो, पर आप रिस्क नहीं ले सकते। जैसे सेकंड में दिया गया है, द अथॉरिटी शुड नॉट गिव एनी हिट टू दिस टाइप ऑफ वॉक्स। हो सकता है कि मतलब जस्ट एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा, कोई फालतू में मतलब कि एक टाइम पास करने के लिए किसी ने कुछ भी बोल दिया, हो सकता है, बट आप रिस्क नहीं ले सकते ना, क्योंकि आप एक ऑफिशियल है, ऑफिशियल बॉडी है, आपके पास फोन आ रहा है, ऑफिशियल बंदे के पास फोन आ रहा है, तो आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। तो आपको पहला पॉइंट करना पड़ेगा कि भाई बॉम्ब डिफ्यूजिंग स्क्वाड को तुरंत आपको भेज के चेक करवाना पड़ेगा। ना निकले बम कोई बात नहीं, आपने अपनी तरफ से एक एक्शन लिया जो कि पॉजिटिव माना गया। दूसरा ऑप्शन, आपने जो उस पे ध्यान नहीं दिया, वो ऑप्शंस को नेगेटिव माना जाएगा, वो एक्शन आपका नेगेटिव माना जाएगा। क्यों? अगर बॉम्ब फट गया वहां पे तो सोच लो आपकी खैर नहीं है, क्योंकि आपके पास तो कॉल आया था। ठीक है, अब ये मैं बात करता हूं कि छोटे लेवल पे, जैसे आप दो क्लासमेट्स हो, क्लास में कोई बोल दे आके अरे यहाँ पे बम रखा हुआ, तो वो एक छोटे बच्चे ने बोला है, एक बच्चे ने बोला है, या फिर चलो आपकी एज एक मैच्योर वाली एज है, आपकी एज में किसी ने कुछ बोल दिया, तब भी आप मतलब आपको आगे बोल रहे हैं ना, आप एक कोई मतलब कोई ऑफिशियल बॉडी नहीं, जब तक आप एक ऑफिशियल बॉडी नहीं हो तब तक आपको कोई भी आके बोले, तो आप उन बातों पे ध्यान रखो, क्योंकि केओस बचता है, इससे केओटिक चीजें लगती है, मतलब तो वो चीज मत करो, है ना? लेकिन जब ऑफिशियल के पास में कोई कॉल कर रहा है, तो आपको एक ट्राई देना ही पड़ता है, आपको एक ट्राई देना ही चाहिए कि भैया वो सच में वहां पे बॉम्ब फट गया ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक बार चले जाते हैं, चेक करवा लेते हैं, बॉम्ब निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो बाद में देखे जाएंगे, बट एक्शन क्या होना चाहिए कि दस्ता उसको जो आपका डिफ्यूजिंग स्क्वाड है उसको जरूर भेजना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहल मैंने बता दिया, छोटे लेवल पे मजाक कंसिडर कर सकते हैं कि मजाक कर रहा होगा सामने वाला, छोड़ो, लेकिन बड़े लेवल पे ऑफिशियल बॉडी हो, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफिस है, वहां पे जरूर उसको एक्शन लेना चाहिए। चलो 13 क्वेश्चन, शुगर मिल्स हैव सेड दैट दे विल नॉट बी एबल टू पे द मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर शुगर केन फॉर द नेक्स्ट सीजन। चीनी मिल ने कहा वे अगले सीजन के लिए गन्ने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य का भुगतान नहीं कर पाए, जो मिनिमम प्राइस आपने फिक्स किया भाई हम वो नहीं दे पाएंगे, ऐसा चीनी मिल वालों ने बोला। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, जिसमें तीन स्टेटमेंट दी गई है, दो क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन। गवर्नमेंट शुड अपॉइंट अ कमेटी टू लुक इनटू द मैटर। देखो जो भी ऐसा खराब मैटर होता है जहां पे कोई आपकी बात से सहमत नहीं है, कोई कम्युनिटी सहमत नहीं है, पूरे कई लोगों का ग्रुप सहमत नहीं है, तो वहां पे एक आपको कमेटी जरूर बिठानी पड़ती है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा पॉइंट बिल्कुल सही माना जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट सुन, नोटिस शुड बी सेंड टू ऑल शुगर मिल ओनर्स टू अबाइड बाय द डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट। देखो सभी मिल ओनर्स को एक तो आपको ये भेज पाना, ठीक है, नोटिस फिजिबल नहीं है, चलो आपने भेज भी दिया, आपने उनका पॉइंट कहां सुना? ठीक है, कमेटी क्या थी कि जिसमें आपने सामने वाले का भी पॉइंट सुन लिया, लेकिन जब आपने एक लेटर या एक नोटिस भेज दिया तो उसमें आपने सामने वाले को सुना ही नहीं, तो आपने जब सामने वाले को सुना ही नहीं तो प्रॉब्लम कहां से सोल्व होगी? इसको प्रॉब्लम सोल्व नहीं करना कहते, इसको कहते हैं कि किसी चीज को आप इम्पोज कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे गलत कंसिडर होता है ऐसी सिचुएशंस, ठीक है, मैं ये गलत माना जाए। चलो, डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट ऑल दो शुगर मिल ओनर हु आर रेडी टू वायलेट द गवर्नमेंट डिसीजन। ये तो वैसे ही गलत हो जाना चाहिए, जब आप नोटिस भेज रहे हो वो ही गलत मान रहे हैं अपन, तो अगर आपने किसी सभी चीनी मिल मालिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी, जो सरकार का फैसला का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर आपने एक्शन ले लिया, तो भाई वो तो वैसे ही गलत हो गया, कुछ भी अगर आपने एक्शन ले लिया, जब आप नोटिस भेज रहे हैं वो ही गलत है, तो ये तो गलत होना ही चाहिए, क्योंकि
क्योंकि आपको सामने वाली कौम का, सामने वाली कम्युनिटी का, सामने वाले लोगों का, सामने वाले ग्रुप का सुनना ही पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं, सो दैट आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है, द गवर्नमेंट शुड अपॉइंट अ कमेटी टू लुक इन टू द मैटर, ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि वहां पे आपकी भी बात रखी जाएगी, वहां पे सामने वालों की भी बात रखी जाएगी। ठीक है, जहां दोनों तरफ से बात रखी जा रही है, वो पॉइंट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है एक्शन के तौर पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज। तो ऐसे क्वेश्चंस ज्यादातर आपके एग्जाम में आते हैं, जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, मैं 3 पॉइंट वाला नहीं कह रहा, मैं इस टाइप की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि आप एज ए ऑफिसर क्या करेंगे, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट में ऑफिसर बनने वाले हैं कल को, तो आपके सामने ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के दिखेंगे। तो इस क्वेश्चन की जो पूरी फील है वो आपको आनी चाहिए, इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझ लें, सुन लेना समझ लेना। ठीक है, चलो 14th क्वेश्चन पे आते हैं, ये आप बताएंगे 14th क्वेश्चन। ठीक है, मैं पढ़ के बता देता हूँ, कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा देख लेना। डिस्काउंट ऑफर्स प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन्स आर इंक्रीजिंगली ईटिंग इनटू द स्मॉल रिटेलर्स बाय दस क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर मैन्युफैक्चरर्स इन स्पाइट ऑफ द हाइप अराउंड द रिटेल बूम। ठीक है, एन एफर्ट शुड बी मेड टू डिसवेड कस्टमर फ्रॉम परचेजिंग द प्रोडक्ट ऑन डिस्काउंट। दूसरा पॉइंट, ऑल सच मैन्युफैक्चरर्स शुड स्टॉप सप्लाइंग प्रोडक्ट टू द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन। थर्ड पॉइंट, एफर्ट शुड बी मेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स और कमर्शियल डायलॉग्स विद द रिटेल चेन। ये लिखा गया है यहाँ पे, किसी भी वर्ड में प्रॉब्लम हो बता देना। इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे आप ही बताएंगे कमेंट सेक्शन। दो क्वेश्चन हमेशा छोड़ के जाता हूँ मैं, एक तो वो क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट पे बता देना, एक ही बच्चा विद एक्सप्लेनेशन, मैं उसको वो कर दूंगा, पिन कर दूंगा। ठीक है, चलो 15 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम, ये अभी तक अपन ने डिस्कस किए प्रीवियस ईयर ही थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इधर उधर से उठा के अब क्या है, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो एसएससी सीजीएल 2022, एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, सम सीरियस मिस्टेक्स वर फाउंड इन द टेक्निकल सेक्शन ऑफ अ कंपनी। कुछ ज्यादा गंभीर मिस्टेक पाई गई है, कहां पे पाई गई, कहां, टेक्निकल सेक्शन में। भाई कंपनी का सारा सेक्शन ठीक है, बट टेक्निकल सेक्शन में कुछ कंप्लेंट आई है, कुछ प्रॉब्लम आई है, मिस्टेक आई है। एन एफिशियंट टेक्निकल टीम शुड बी अपॉइंटेड टू चेक द टेक्निकल एरर। बिल्कुल सही पॉइंट है, देखो टेक्निकल एरर आ गए, अब उनको चेक करने के लिए कुछ तो आपके पास टेक्निकल टीम होनी चाहिए ना, तो एफिशिएंट टेक्निकल टीम आपके पास होनी चाहिए, पहला पॉइंट। ठीक है, एक रीजन एक्सप्लेनेशन नोटिस शुड बी इश्यू टू ऑल द एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन द रेगुलरिटीज। देखो अगर आपने, चलो प्रॉब्लम को ठीक करने का आपने डिसीजन ले लिया कि ऐसे प्रॉब्लम को ठीक कर हो जाएगी उससे, लेकिन आप एक बात बताओ, जिन लोगों ने गलती की है उन लोगों के खिलाफ आप क्या कदम उठाओगे, वो भी तो आपको देखना चाहिए। एक नोटिस इशू कर दो ऐसे लोगों के खिलाफ, एक नोटिस इशू कर दो ऐसे लोगों के खिलाफ जो इनरेगुलरिटीज में इन्वॉल्व थे। ये भी पॉइंट ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ही पॉइंट आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक है, जो भी त्रुटियां हुई है, तकनीकी त्रुटियां, उनको जांच के लिए कुशल तकनीकी टीम नियुक्त की जानी चाहिए, बिल्कुल सही पॉइंट हो गया। अनियमितताओं में शामिल सभी कर्मचारियों के कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक पॉइंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं थी इस क्वेश्चन में। लार्ज नंबर ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी आर डायग्नोज्ड, यहां से मैं पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट, टू बी सफरिंग फ्रॉम मलेरिया डिजीज। बहुत सारे लोग मलेरिया डिजीज से सफर कर रहे हैं, चलो ठीक है, शहर में लोगों की संख्या मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चला है। ठीक है, द सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन द सिटी। म्युनिसिपल अथॉरिटीज को क्या करना चाहिए, एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन करना चाहिए। फ्यूमिगेशन समझते हैं आप, जो अपने कॉलोनी अपने सेक्टर वगैरह में आपने देखे होंगे जो मच्छर छोड़ने की दवाई छोड़ते हैं ना, धुआं सा होता है, उसको फ्यूमिगेशन कहते हैं। ठीक है, तो वो यहां बताया गया है कि सिटी को, म्युनिसिपल अथॉरिटीज को इमीडिएट स्टेप लेने चाहिए, तुरंत एक्सटेंसिव बड़ा सा कुछ धुम्मन ऐसे करना चाहिए, बिल्कुल सही पॉइंट है, जिससे मच्छरों को थोड़ा बहुत कंट्रोल में लाया जा सके। दूसरा पॉइंट, पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज्ड टू टेक स्टेप टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स। देखो
आप लोगों को सचेत तो करोगे ना कि भाई घर के अंदर पानी भर के ना रखें, घर के अंदर जहाँ पानी भर के, इन द सेंस गंदा पानी जो है वो गिरा दें, पानी ना खड़ा होने दें, कूलर में पानी को तुरंत तुरंत निकालते रहें, ऐसे ऐसे करके आप उनको सजेस्ट करोगे। तो ये चीज भी बिल्कुल सही पॉइंट है कि भाई मच्छरों से बचने के लिए जितनी भी चीजें आप कर सकते हैं उतना तो आप करो अपने दम पे, बाकी हम यहाँ से एक्सटेंसिव फर्मिगेशन कर ही रहे हैं। तो दोनों चीजें बिल्कुल सही पॉइंट है, तो यहाँ पे दोनों आपके बोथ वन एंड टू फॉलो हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन में। देर इज अ लार्ज इंक्रीज इन माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स टू अर्बन एरियाज एज रिपीटेड क्रॉप फेलियर हैज पुट देम इनटू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण ग्रामीणों के प्रवास में भारी वृद्धि हुई है क्योंकि बार बार फसल खराब होने से उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा बार मान लो कि क्रॉप फेलियर हो रहा होगा तो लोगों ने क्या सोचा है कि वहां से अर्बन एरिया को पकड़ लेते हैं, रूरल एरिया को छोड़ के, ऐसा सिचुएशन में बोला गया, ऐसा स्टेटमेंट में बोला गया। चलो एक्शन देखते हैं। विलेजेस शुड बी प्रोवाइडेड विद एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम इन देयर विलेजेस व्हिच विल मेक देम स्टे देयर ओनली। देखो अगर लोग कोई चीज को छोड़ के जा रहे हैं तो वहां पे उनको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो चीज आपको सोचनी पड़ेगी। तो आपको वहां पे अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जरूर देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप क्रॉप के ऊपर बेस रखेंगे किसी फार्मर को, विलेजर्स को, तो वहां पे लोग फिर मतलब जब क्रॉप फेलियर हो रहा है तो वहां पे वो रुकना नहीं चाहेगा। अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम अगर वहां दिए जाएंगे, दुकान वगैरह मिल जाए, या मतलब कि सोचो वहां पे कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस खोल दें, कुछ मान लो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को जॉब देने लगे, तो लोग क्या है वहां रुकेंगे और जॉब में थोड़ा सा गांव भी डेवलप होएगा, थोड़ा सा वहां पे लोग बसने लगे, नहीं तो गांव को कोई नहीं पूछे, सब लोग शिफ्ट हो जाएंगे शहर में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि अगर उनको अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम आप प्रोवाइड कर रहे हैं विलेजेस में तो वो वहां पे रुकने को राजी हो सकते हैं। ठीक है, इनकम प्रोवाइड नहीं करनी है, पैसा नहीं देना है, ये सरकार का सबसे बड़ा पूरा अच्छा पॉइंट है, मतलब आप जो एक्शन में नहीं ले सकते कि हाँ उनको पैसा पकड़ा दो, फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, अल्टरनेट सोर्स दे सकते हैं आप इनकम का। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। टू एंश्योर देयर सर्वाइवल द माइग्रेटेड विलेजर शुड बी गिवन एक्सेस टू ऑल द हाउसिंग ऑप्शन इन अर्बन एरियाज। उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में आवास के सभी विकल्पों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। मतलब उनके सर्वाइवल के लिए आपको जितने भी माइग्रेटेड विलेजर्स आए हैं उनको ना हाउसिंग ऑप्शन देने चाहिए, घर प्रोवाइड करने चाहिए अर्बन एरियाज। आप मैंने जैसे पहले भी इसमें बोला कि आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, आप एक सोर्स दिखा सकते हैं कि ये रहा सोर्स, तू खुद पढ़, तू खुद कमा, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आप एक हाउसिंग ऑप्शन नहीं दे सकते, और सभी विलेजर्स को अगर आप एक्सेस देने लगे तो जो वहां पे प्रॉब्लम फेस कर रहा था वो भी उसको छोड़ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आने में बुराई नहीं है, कोई भी आ सकता है, लेकिन फिर गांव की भी डेवलपमेंट रुकती है इससे, फिर हर कोई आपका मतलब फायदा उठाएगा उस चीज का अगर आप हाउसिंग ऑप्शंस देंगे। ठीक है, माइग्रेट हर कोई करने लगेगा, जो वहां पे सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, जो क्रॉप फेलियर की वजह से परेशान भी नहीं है, जो कुछ और काम करता है वो भी वहां पे आ जाएगा। तो ये एक्शन आपका बिल्कुल रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, इसमें सिर्फ ओनली ऑप्शन वन फॉलोज आ जाएगा। चलो ये आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये तीन क्वेश्चन आपके थे एसएससी सीजीएल 2022 के, और ये आपका सीएचएसएल 2022 का, आई थिंक सो। ठीक है, द ट्रैफिक कंजेशन इन द सिटी हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज ड्यूरिंग पीक आवर्स। अति व्यस्त समय में शहर में ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे शाम के 7-8 बजे और सुबह 9-10 बजे काफी ट्रैफिक रहता है गुड़गांव वगैरह जैसी सिटी में, बेंगलोर वगैरह में, दिल्ली में। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपके कंजेशन वाला टाइम है, सबके ऑफिस से छूटने का टाइम है, तो उस टाइम पे पीक आवर्स माने जाते हो, तो बहुत ट्रैफिक है वहां पे, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया। पहला ऑप्शन, इंप्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू प्रोवाइड वियेबल अल्टरनेटिव्स टू प्राइवेट व्हीकल्स। निजी वाहनों का व्यवहार्य विकल्प प्रदान करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार करें। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट ये कहा गया है कि अगर मान लो कि जैसे कोई बंदा जा रहा है घर से,
वो प्रेफर करता है अपनी गाड़ी अपनी बाइक से, ठीक है। अगर उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छा मिले, जैसे दिल्ली के लोग, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा मिलता है, ठीक है, तो वो प्रेफर करते हैं कि भाई हम नीचे जाने के बजाय हम ऊपर से मेट्रो से चले जाएंगे, दूर भी पहुंच जाते हैं टाइम से, और टाइम भी कम लगता है, प्लस थोड़ा पैसा भी कम है। तो मतलब ये इस पॉइंट को रखा जा रहा है इस जगह कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस जो है वो अच्छी चीज अच्छी प्रोवाइड करोगे तो लोग प्राइवेट व्हीकल्स को छोड़ के आपको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि अगर ऐसा रहता है किसी सिटी में, जिस भी सिटी की, एक्स वाई जेड सिटी की ये बात हो रही है, तो वहां पे आप ये चीज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा अच्छा करें, सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करें, तो लोग आपको ज्वाइन करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्वाइन करेंगे प्राइवेट की वजह, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इम्पोज हेफ्टी फाइन्स ऑन इंडिविजुअल ड्राइवर्स ड्यूरिंग पीक आवर्स, अति व्यस्त समय के दौरान ड्राइवरों पर भारी जुर्माना लगाए। ये भी देखो कितनी गलत चीज है कि अगर किसी को कोई अकेला ही है घर में और उसके पास एक गाड़ी है, जैसे मैं गाड़ी रखता हूँ, ठीक है, तो जब बंदा अकेला ही जाएगा उस गाड़ी में, और कैसे, मतलब कि दो तीन को साथ बिठा के चलेगा क्या, कि आप भी बैठ जाओ मेरे साथ, आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, चार चार लोगों को थोड़ी बिठा के चलेगा फाइन के चक्कर में। मतलब मैं अकेला किसी को दिखा गाड़ी में कि भाई तू गाड़ी कैसे लेके जा रहा है अकेला, हम तो तुझ पे फाइन लगाएंगे, तो ये चीज बिल्कुल गलत है, ठीक है। पीक आवर्स में कि आप अकेले गाड़ी चला ही नहीं सकते, बिल्कुल गलत है, आप भारी फाइन नहीं लगा सकते, ठीक है। कुछ और कर लो आप, इवन ऑड सिस्टम कर लो, कुछ और कर लो, लेकिन आप ऐसा सिस्टम नहीं कर सकते, ठीक है, कि आप हैवी हैवी फाइन लगाने लगे। तो ये आपका पॉइंट बिल्कुल गलत है, जो पहला पॉइंट दिया गया है वो बिल्कुल ठीक है कि आप सेवा अच्छी दे दो, लोग आपको आपकी से सर्विसेज को अवेल करने लगेंगे, लेकिन आप ये चीज नहीं कर सकते कि आप अकेले आदमी को देखा और फाइन ठोक दिया, फिर वो अननोन्स के साथ में बैठे और अननोन्स से लूटा वूटा जाए तो वो ज्यादा गलत माना जाएगा, ठीक है। ये चीज गलत है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्शन वन फॉलो करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस रिपोर्ट, द जेंडर रेशियो हैज फॉलन फर्दर इन इंडिया। अब लेटेस्ट रिपोर्ट आई है सेंसस की, तो उसमें क्या बोला गया है कि दोबारा से जेंडर रेशियो और गिर गया है, ठीक है भाई, जेंडर रेशियो और गिर गया है, मतलब वुमेन्स वुमेन कम ही होगी, मेन ज्यादा होंगे, ऐसा ही बोला गया वो। चलो, द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अनदर सेंसस टू वेरीफाई द रिजल्ट, मतलब ये कहाँ की बात है, अलग ही लेवल की बात कर दी सरकार को, परिणामों के सत्यापन हेतु दूसरी जनगणना, एक जनगणना करवाने में कितना समय लगता है, कितना पैसा लगता है, ये भी आप जानते हैं। वो बंदा कोर्स ऑफ एक्शन में बैठ के कह रहा है कि एक बार और करवा लेते हैं सर, पता चल जाएगा कि ठीक है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जनगणना जैसी चीज बार बार नहीं होती, जब सब 10 साल में एक बार हो रही है, आप उसको बार 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 रिपीट करवा रहे हो उसी टाइम के लिए, जो पॉसिबल नहीं, ये कोई कोर्स ऑफ एक्शन बनाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, द गवर्नमेंट शुड इमिडिएटली स्टार्ट एन अवेयरनेस कंपेन, गवर्नमेंट को अवेयरनेस कंपेन स्टार्ट करने चाहिए थ्रू इट्स पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के थ्रू, अबाउट द इफेक्ट ऑफ लो डेंजर लो जेंडर रेशियो एंड एनकरेज देम टू इम्प्रूव इट। जो मान लो कि उनके पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, पब्लिक के साथ में घुल मिलने वाले, पब्लिक के साथ बात करने वाले जो डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू गवर्नमेंट को ना कुछ अवेयरनेस कंपेन स्टार्ट करने चाहिए, जिससे लोगों को थोड़ा सा मतलब जागरूक किया जाए कि भाई यार ये जेंडर रेशियो देखो कितना कम हो रहा है, आप लोग इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करो, गर्ल्स को भी थोड़ा आगे बढ़ाओ, ऐसे वैसे ना, जो मतलब कि आप लड़कियों को मार दे रहे हो, छोटे लड़कियों को, आप समझ रहे हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता, ऐसी चीजें नेगेटिव चीजें आप सब समझते हैं, तो ये चीजें गलत है ना। उसी चीज के लिए गवर्नमेंट को पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के थ्रू थोड़ा सा लोगों को अवेयर करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, ताकि ये चीजें इम्प्रूव हो सके। ये बिल्कुल सही पॉइंट है, आप बस अवेयर कर सकते हैं लोगों को, और तो क्या करेंगे आप, जेंडर रेशियो कुछ भी आप नहीं चेंज कर सकते, है ना। तो एटलीस्ट अपने डिपार्टमेंट का यूज करके उनको एटलीस्ट अवेयर तो कर दो, उतना तो कर सकते हैं, है ना। 19th क्वेश्चन भी हो गया आपका, 20th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यू ये दो क्वेश्चन है ना, ये वाले, ये 19 और 20, ये आपके ईपीएफओ में आए हैं, जस्ट अभी ईपीएफओ एग्जाम जो आपके हुए उसमें से मैंने आप देखे, बहुत सारी 8 शिफ्टें हुई थी,
मुझे क्वेश्चन ज्यादा मिले नहीं, दो क्वेश्चन मिले, मैंने दोनों क्वेश्चन उठा लिए। ये थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर का था, वो थोड़ा अलग। चलो, यू आर द चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमेटी, आप इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है, एंड यू आर करंटली कंडक्टिंग द इलेक्शन, आप इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। यू केम टू नो दैट एन इश्यू हैज रेज्ड इन अ वोटिंग बूथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन। इलेक्शन कंप्लीशन के बाद आपको पता चलता है कि एक इश्यू रेज हो गया है, ठीक है, किसी एक बूथ के ऊपर। उसके बाद व्हाट विल बी योर एक्शन रिगार्डिंग दैट इलेक्शन, आपका क्या एक्शन रहने वाला है। अब वो आपका बहुत डिपेंड करता है ऐसी चीज में। ये आपसे इंटरव्यू में पूछती है, दुनिया पूछती है आपसे, तो आप कैसा एक्शन लोगे। तो इसमें ना रूड एक्शन नहीं लेना, ना आपको मतलब बेकार एक्शन लेना, थोड़ा ऑफिसर टाइप की आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, वो यहां से चेक होती है। तो आप देखते हैं इसमें क्या एक्शन लेते हैं। पहला, यू विल आस्क टू कैंसिल द इलेक्शन इन दैट सीट एंड प्रोवाइड द सीट टू द एग्जिस्टिंग पर्सन ऑन दैट सीट। मतलब कि 5-6 साल बाद ये इलेक्शन हो रहा होगा, या चलो जो भी है, इलेक्शन चाहे 5 महीने बाद हो रहा हो, चाहे 5 दिन बाद हो रहा हो, हर किसी को मौका मिलना चाहिए वहां पे बैठने का। तो जब भी इलेक्शन हुआ है, आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि छोड़ो एक काम करते हैं, कैंसिल करते हैं, जो पहले से इस सीट पे बैठा था उसी को रहने देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे एक्शन लिए जाने लगे तो लोग क्या करेंगे, हर जगह ऐसे चीटिंग सी करवा देंगे और फिर कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, पुराने वाले को रहने दो यार, 5-6 साल और बैठे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, यू विल इग्नोर दिस इंफॉर्मेशन एंड विल अनाउंस द रिजल्ट एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। आप इग्नोर कर दोगे क्या, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वो वार्डन था, बच्चे को चोट लग गई है, वो बंदा जाके आराम से सो गया, वो चीज गलत है ना। आप इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे कुछ लिखा गया है, यू आर द चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमेटी एंड यू आर करेंटली कंडक्टिंग द इलेक्शन। आप वहां पे पानी पकड़ाने वाले नहीं हो भाई कि इग्नोर करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप वो नहीं हो। आप यहाँ पे कौन हो, आप एक इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, तो आपका फर्ज बनता है कि आप एटलीस्ट इग्नोर तो नहीं करो, कुछ तो एक्शन लो यार ऐसी सिचुएशन में। उसके बाद, यू विल आस्क फॉर री वोटिंग इन दैट बूथ वेयर द प्रॉब्लम वॉज ऑब्जर्व एंड देन डिक्लेयर द रिजल्ट। ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप फिर से एक मतलब कि चलो एक मतलब ये भी एक देखा जाए तो मतलब दोबारा से कैसे करवा सकते हैं, लोग आएंगे या नहीं आएंगे। बट हम आगे बढ़ते हैं, फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं कि वो क्या है। यू विल डिक्लेयर द रिजल्ट बाय नॉट कंसिडरिंग एनी वोट फ्रॉम दैट बूथ वेयर एन इश्यू हैज अराइजन। आपने उस बूथ का रिजल्ट ही नहीं निकाला, तो बात तो वही पड़ेगी ना जो पहला पॉइंट था, कि जो पहले उस सीट पे बैठा था वो तो वही बैठ गया, या फिर ये तो चलो ये अलग बात है, ये बात ये है कि उस सीट पे कोई आया ही नहीं, मतलब अब इस एरिया में कोई भी नहीं है लीडर, तो आपने चुना ही नहीं, मतलब चुना नहीं तो वो आपने गलत कर दी, तो ये भी कोई फिजिबल एक्शन आपने नहीं लिया। अब बचता है एक ही ऑप्शन आपके पास में, एक तो टिक करना है आपको, यू विल आस्क फॉर री वोटिंग इन दैट बूथ वेयर द प्रॉब्लम वॉज ऑब्जर्व एंड देन डिक्लेयर द रिजल्ट। आपको री वोट करवाने ही पड़ेंगे, ठीक है, जहां पे प्रॉब्लम हुई है फिर आप रिजल्ट अनाउंस करेंगे, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, एक ही ठीक है। ठीक है, रीवोट कराना भी थोड़ा मुश्किल है, बट इन तीन चीजों से कंपैरेटिवली फिर भी बहुत ठीक है। कुछ लोग भी आए, जितने भी आए, देखो सपोज करो 1,000 है, 1,000 में से इसको 600 वोट दे रहे थे ए को, और बी को दे रहे थे 400 वोट, ए को 600 बी को 400। अब आने वाले हैं 100 लोग, 100 में भी हम वैसा ही मान के चलते हैं, चलो री वोट हो रहा है, माना कम लोग आएंगे, 100 1,000 की बजाय 100 आने वाले हैं, तो 100 में से भी रेशियो वैसा ही मान के चलते हैं हम कि 60 इसको कर देंगे, 40 इसको कर देंगे, मतलब रेशियो सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो वो वाली बात की गई है, तो चाहे लोग कम आएंगे, ठीक है, रिजल्ट तो रिजल्ट ही रहेगा। जैसे मान लो कि मैं आपसे, कोई टॉपर है, 100 क्वेश्चन मैथ के वो सोल्व कर रहा है और उसका एकदम से बंद हो गया सिस्टम, बट वो बहुत अच्छा है, बहुत होशियार है, 100 में से 95 ठीक करने, 96 करने की वो औकात रखता है, उतनी है उसकी, वो ठीक कर देगा। अब वो दोबारा कंडक्ट करवा रही है एसएससी, फिर कोई प्रॉब्लम आ रही, फिर कोई प्रॉब्लम आ रही, तो उसको सामने बिठा के 100 क्वेश्चन का तो टेस्ट बार बार नहीं ले सकते। उन्होंने फिर क्या सोचा होगा कि 10 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं इससे, तो 10 में से भी 8-9 तो इसके ठीक होने चाहिए, जब ये 100 में से 95 क्वेश्चन ठीक कर देता है तो 9 तो ठीक होने चाहिए, है ना। वो वाली बात यहाँ पे की गई, समझ गए। तो ये पॉइंट था यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन के अंदर, तो ये हमारा चलो यहां तक ही था।
20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं, सारे के सारे कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड। इसमें मैंने आपको सारे प्रीवियस ईयर जितने भी थे पहले वाले क्वेश्चंस, वो प्रीवियस ईयर और थोड़े बहुत नए क्वेश्चन थे, और कुछ तीन ऑप्शन के साथ भी लिए थे मैंने, ताकि और ज्यादा आप सोचो। दो ऑप्शन में सोचना आसान है, तीन ऑप्शन में थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है, तो मजा आता है। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस, ईपीएफओ के सारे क्वेश्चन कोर्स ऑफ एक्शन टॉपिक के कवर कर दिए। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी 1-2 दिन के अंदर हमारे चैनल के ऊपर। चैनल का एंड गेम एसएससी नाम से आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन करके रखो। वहां पे कुछ ना कुछ आप ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप डिस्कस करोगे, जितना ज्यादा उतना ज्यादा आपका दिमाग खुलता है ना। तो ये आपकी 3 वीडियोस आज कंप्लीट हो गई है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फोर्थ वीडियो जो रहेगी कॉजेज एंड इफेक्ट्स को लेके, बहुत जल्द, जितनी जल्दी कोशिश होगी हमारी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।